हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट। देखिए, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं और उनमें उनका ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में अलग अलग ड्रग्स अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं और कुछ जो एंटीवायरल डिजीज़ हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ में किया जाता है। तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे और ड्रग्स की जो फर्स्ट चॉइस है उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस और लास्ट में जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो वहाँ तक आप सारा वीडियो देखें, ताकि आपको पूरा एंड तक आपको पता लगे कि जो हमारी ट्रिक्स है कहीं आपकी मिस ना हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में वैसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है बहुत सारी हैं, बट जो आपके सिलेबस में है वो कौन कौन से डिजीज है, ग्रेनुलोमा इन्विलेल, जेनाइटल हर्पीज, सिंप्लेक्स वायरस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास, वेजिनाइटिस, कैनक्रोइड एंड सिफिलिस। इसके अलावा एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपके सिलेबस में मेंशन है। सो वन बाय वन हम इसका डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और बेसिकली आपके जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये बी फार्मा, डी फार्मा और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, जैसे मेडिकल में हैं आप तो मेडिकल की यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, और जनरली जहाँ पर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर इससे रिलेटेड, फर्स्ट चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट चॉइस पर आप ध्यान दें कि फर्स्ट चॉइस कौन कौन सी ड्रग्स है। तो फर्स्ट हमारे पास में डिजीज है ग्रेनुलोमा इन्विलेल नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्रेनुलोमा इन्विलेल इन्फेक्शन बाय डोनो वेनोसिस एंड इट अकर ऑन द जेनाइटल्स। सो दीज आर द बीफी रेड अल्सर ऑन द जेनाइटल्स एज वेल एज दे आर ऑल्सो वी कैन फाउंड पेनलेस पेप्यूल्स ऑन द जेनाइटल्स ऑफ मेल्स। ग्रेनुलोमा इन्विलेल जो है इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट चॉइस हमारे पास में जो ड्रग है दैट इज व्हाट, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। सो ऑब्लिक है यहाँ पर चाहे डॉक्सीसाइक्लिन को यूज किया जाए चाहे पर एजिथ्रोमाइसिन को यूज किया जाए। तो डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन का हमारे पास में 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है एंड यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन 3 वीक का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सो ड्रग की डोज पर डिपेंड करेगा कि ड्रग को बिसनडाई मीन्स ट्वाइस अ डे देना है या वंस अ डे देना है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम हायर डोज देते हैं तो ऑलमोस्ट एजिथ्रोमाइसिन जनरली इसका लॉन्ग टी हाफ होता है, तो जनरली इसका वंस अ डे इसको दिया जाता है। अब अगर किसी पर्सन में ग्रेनुलोमा इन्विलेल के केस में अगर इन्फेक्शन इन दोनों ही ड्रग से ठीक नहीं होता है तो फिर हमारे पास में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट इज व्हाट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इरिथ्रोमाइसिन। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इरिथ्रोमाइसिन हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये दोनों ही ड्रग्स, दोनों में से कोई सी भी एक ड्रग्स जो है पेशेंट को दी जा सकती है। यहीं पर अगर हम डिस्कस करें क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो ये क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इस केस में भी जो हमारे पास में ड्रग्स अवेलेबल हैं दैट इज व्हाट, सेम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन ही दे रहे हैं, डॉक्सी और एजिथ्रो का ही कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ओके, एंड अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमारे पास में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इरिथ्रोमाइसिन ही है। तो यहाँ भी हम सेम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, बट ये है कि डोजेस में डिफरेंस होता है और कितना ड्यूरेशन तक, कितनी क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी और कितने ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलेगा उसमें डिफरेंस है। ओके, बट जनरली आपके जो क्वेश्चंस आता है एग्जामिनेशंस में
तो वो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ फर्स्ट चॉइस, तो आप इस तरह से याद रखें। अब अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें तो जनरली आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या ध्यान देने वाली बात है, जैसे जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो जो मेल एंड फीमेल जो हैं हमारे पास में, मेल एंड फीमेल जो हैं उनमें जो अनसेफ सेक्स जो होगा तो उस कंडीशन के दौरान फैलती हैं, और जनरली और क्या होगा, कोई भी अनसेफ जो प्रोसीजर अगर कोई अपनाता है तो वहाँ पर हो सकता है। जनरली जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, या सीरीन्स जो है इन्फेक्टेंट यूज़ कर ली गई, तो ऐसे केसेस में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास में जेनाइटल हर्पीस सिम्प्टम। Now look at the genital herpes. So genital herpes can be found on the genitals of males and females, and such kind of papules you can find on the genitals. Flex जो virus है उसके through जो disease हो रही है, that is genital herpes simplex का case है। यहाँ पर हमारे पास में अगर first episode है, if it is a first episode, तो हमारे पास में जो treatment options available हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फेमीसाइक्लोविर। ओके, सो एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फेमीसाइक्लोविर ऑप्शंस जो हैं हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसको आप सिंपल याद भी रख सकते हैं। मैंने आपको हर्पीज वायरस की जो ट्रिक्स बताई थी, एंटी हर्पीज ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैं बताया था, मैं आपको यहाँ सजेशन भी दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो वो वहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था IVF, ओके, IVF टेक्नोलॉजी गेन, इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक से आप याद रखें, IVF मैंने आपको बताया था, तो IVF से आप इसको IVF में आई को रिप्लेस कर दें ए से, ए साइक्लोविर और वी और एफ तो हमारा सेम वही ड्रग है, सो ए साइक्लोविर, वेला साइक्लोविर और सेमी साइक्लोविर। ओके, तो ये जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ये फॉर 7 डेज पीरियड चलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर रिकरेंट जो केसेस हैं, रिकरेंट केसेस हैं, उस केसेस में क्या होगा, रिकरेंट केसेस में भी 3 to 5 मोर डेज सेम ट्रीटमेंट चलेगा, 3 to 5 डेज और आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और अगर सप्रेसिव थेरेपी हमें देनी है, सप्रेसिव ट्रीटमेंट अगर हमें देना है तब भी सेम ट्रीटमेंट चलेगा, ओके, बट इट इज़ फॉर 6 to 12 मंथ आ जाएगा, यहाँ पर मंथ्स के लिए हमें देना पड़ेगा। रिकरेंट केसेस में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ए साइक्लोविर है उसकी टॉपिकल प्रिपरेशन जो है वो इनइफेक्टिव है, मतलब वो यूजफुल नहीं है। सो ए साइक्लोविर टॉपिकल ए साइक्लोविर इनइफेक्टिव, ओके। और अल्टरनेटिव में भी हमारे पास में सेम यही ड्रग्स हैं, ए वी और एफ, ये तीनों ही अल्टरनेटिव हैं, बट यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट अगर सप्रेसिव केस की बात करें सो अप टू 5 ईयर तक जो है ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। क्लियर? सो 5 ईयर तक हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन द गोनोरिया। Now look at the picture of gonorrhea. It spread due to Neisseria gonorrhoeae and on the various body parts as well as on the genitals of the body. You can find in the various discharge as well as papules and rashes on the body organs. गोनोरिया तो है, गोनोरिया जो है हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दो तरह से हैं ये हमारे पास में, वन इज नॉन पीपीएनजी एंड अनदर वन इज पीपीएनजी। ओके, तो नॉन पीपीएनजी है हमारे पास में, नॉन पीपीएनजी मतलब नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग निसेरिया गोनोरिया इन्फेक्शन।
तो यहाँ पर जो हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है दैट इज व्हाट एमोक्सिसिलिन या फिर एम्पीसिलिन ओके। और साथ में हम क्या दे सकते हैं इसमें प्रोबेंसिड और दिया जाता है प्रोबेंसिड क्लियर। और अगर हमारे पास में पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग निसीरिया गोनोराई है सो वहाँ पर हमें सेफ्ट्राइएक्सोन हम यूज करते हैं सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफ्यूरोक्सिम एंड एजिथ्रोमाइसिन ओके। सो दीज आर द ऑप्शंस वी हैव क्लियर एवरीवन। यहाँ पर ये हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है प्लस इनके साथ में भी हमें क्या करना पड़ेगा प्लस प्रोबेंसिड को यूज करना पड़ेगा प्रोबेंसिड जो है हम यहाँ पर देंगे। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं नॉन पीपीएनजी का केस है नॉन पीपीएनजी केस में हम जो दे रहे हैं वो गोनो को याद आप इसको कैसे याद रखोगे वो बहुत आसान तरीका है। गोनो मीन्स गोन गोनोरिया से आप याद रखो गोन सो गोन कौन कौन चला गया है एमोक्स मतलब एमोक्स से मतलब है मोक्ष जो चला गया है ठीक है। सो उससे आपको याद आ जाएगी एमोक्सिसिलिन और एम्पीसिलिन एम पी से वर्ड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो आपको पता है चुनाव होने के बाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नजर नहीं आते गोन हो जाते हैं चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो एमोक्सिसिलिन और एम्पीसिलिन इसको याद आप रख सकते हो प्लस साथ में आपको प्रोबेंसिड तो देना ही है। और यहाँ पर जो है हमारे पास में सेफ्ट्राइएक्सोन है सेफिरोक्सिम है और एजिथ्रोमाइसिन जो है हमारे पास में फर्स्ट चॉइस ड्रग है। अल्टरनेटिव में भी जो है हम दे रहे हैं अल्टरनेटिव के केस में जो हमारे पास में ऑप्शन है वो सिफेलोस्पोरिन ओके। सो सिफेलोस्पोरिन में हम सेफिरोक्सिम या सेफ्ट्राइएक्सोन यूज कर सकते हैं प्लस डॉक्सीसाइक्लिन को यूज किया जा सकता है और इरिथ्रोमाइसिन को यूज किया जा सकता है ओके। सो यहाँ पर ये तीनों ड्रग हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जो डिजीज है वो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस है। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस दिस इज द इन्फेक्शन इन द वेजाइना सो दिस रेडिश कलर इज शोन इज द इन्फ्लामेशन एंड दिस व्हाइटिश डिस्चार्ज इज ल्यूकोरिया on the trichomonas infection on vagina. और trichomonas vaginitis में जो हमारे पास में drug of choice है वो क्या है हमारे पास में tinidazole and metronidazole okay tinidazole और metronidazole। तो trichomonas इसको आप इस तरह से याद रखें ट्राई हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम ट्राई हम कर रहे हैं कहाँ जाने की मेट्रो शहर में जाने की कहाँ जाने की मेट्रो शहर में जाने की बट वो मेट्रो शहर को कैसा है छोटा है टिनी है कैसा है इट इज़ अ टिनी एंड मेट्रो क्लियर। और यहाँ पर जो फर्दर अगर दोनों ही ड्रग्स यूजफुल किसी पेशेंट के अंदर अगर यूज में उसमें इनइफेक्टिव रहती तो अल्टरनेटिव जो है हमारे पास में क्लोट्राइमाजोल है ओके। देन फर्दर जो हमारे पास में ऑप्शन है कैनकरॉइड जो अदर ड्रग है ओके एंड इट इज दिस इज इन्फेक्शन बाय एच ड्यूक्रियाई। नाउ लुक एट द कैनकरॉइड इन कैनकरॉइड व्हाट हैपन इन जेनाइटल्स देयर इज अ पेनफुल अल्सरेशन अकर इन द जेनाइटल्स लुक एट द इमेजेस दीज आर द अल्सर्स ऑन द जेनाइटल्स। कैनकरॉइड के केस में हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं हमारे पास में एजिथ्रोमाइसिन है एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी जो हमारे पास में ड्रग है दैट इज सेफ्ट्राइएक्सोन और वी कैन से सेफेलोस्पोरिन एंड इरिथ्रोमाइसिन क्लियर। एंड यहाँ जो कैनकरॉइड के केस में हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन
दैट इज ऑल्सो अदर ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो अनादर ऑप्शन वी हैव. नाउ फर्दर जो हमारे पास में अनादर ऑप्शन अदर जो डिजीज है सिफिलिस. सिफिलिस भी. Now look at these. These are the images of syphilis, and this this is the rashes on palm as well as leg as well as on the whole of the body. So these are the red rashes. Look in the syphilis. जो है हमारे पास में bacterial infection है और bacterial infection में syphilis के केस में first choice कौन होगी? अभी भी यहाँ पर जो first choice जगह that is पेनिसिलिन. सो बेंजोकेन पेनिसिलिन है. बेंजाथीन या बेंजोकेन बेंजाथीन पेनिसिलिन और यूगेन प्रोकेन पेनिसिलिन. इट इज़ अ फर्स्ट चॉइस ड्रग. क्लियर? सो दिस इज़ अ फर्स्ट चॉइस ड्रग. चाहे वो अर्ली केस हो, इट इज़ अ इन अर्ली केस अर्ली लेस देन वन ईयर. और अगर लेट केस है, लेट ग्रेटर देन वन ईयर वाला केस है, तो उस केस में भी सेम ट्रीटमेंट है हमारे पास ना. सेम ड्रग्स बेंजाथीन पेनिसिलिन और प्रोकेन पेनिसिलिन को यूज़ किया जाएगा. और अल्टरनेटिवली हमारे पास ना मैक्रोलाइट्स हैं. मैक्रोलाइट्स, तो मैक्रोलाइट्स में हमारे पास में एरिथ्रोमाइसिन हो गया. Erythromycin we can use in these cases. Okay. So hopefully आप लोगों को ये सारी जो ड्रग्स हैं वो समझ में आ गई होगी. फर्स्ट चॉइस ड्रग और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन. तो यहाँ पर ये सारे डिजीज हैं, इन सभी का क्वेश्चन आपको फर्स्ट चॉइस ड्रग्स आपको याद रखनी है. तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन के आप आंसर करिए. और जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आप याद करें. एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको ट्रिक्स. ग्रेनुलोमा इंग्विनेल आपको इसी सीक्वेंस में याद रखें. कैसे याद रखें इसी सीक्वेंस में? ग्रेट जनरेशन गोन इन टीसीएस. टीसीएस हमारे पास में क्या है? कंपनी है. ओके. सो ग्रेट जनरेशन गोन इन TCS. तो इस तरह से आपकी ये सारी ड्रग्स सारी डिजीज आपको याद हो जाएंगी. और डिजीज में ग्रेट में कौन कौन सी है? डॉक्स और एजी. ठीक है. और दूसरा AVF आपको याद रखना है. जनरेशन के अंदर कौन सी AVF जनरेशन है हमारे पास में? इस तरह से आप याद रख लें. देन गोन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एमोक्सिसिलिन और एम्पीसिलिन. मॉक्स जाना है और एमपी जो गायब हो जाते हैं उनके बारे में है. और फिर ट्राई करो ट्राइकोमोनास में ट्राई करो और मेट्रो शहर में जाने का, छोटे शहर में मतलब टिनी शहर में जाने का. इसको आप याद रख सकते हो एस. ओके. कैनक्रोइड को आप कैसे याद रख सकते हो? एस इनिबिटर्स भी होते हैं, बट एस इनिबिटर हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे. बट एस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो. और सिफिलिस में जो है एस पी से आप याद रख सकते हो. एस फॉर सिफिलिस और पी फॉर पेनिसिलिन. ओके. हेलो एवरीवन, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन राउंड फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रीटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस ए प्रोकेन पेनिसिलिन, बी एसाइक्लोविर, सी लाइनिजोलिड, डी अमाइनोग्लाइकोसाइड. सो आई ऑलरेडी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन माई लेक्चर, सो गो थ्रू विद द होल लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेनुलोमा इंग्विनेल ए डॉक्सीसाइक्लिन, बी एजिथ्रोमाइसिन, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी पेनिसिलिन. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ PPNG मीन्स पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग निसेरिया गोनोराई ए सेफ्ट्राइएक्सोन, बी एजिथ्रोमाइसिन, सी सेफिरोक्सिम एंड डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स केसेस ए सेफ्ट्राइएक्सोन, बी एजिथ्रोमाइसिन, सी एसाइक्लोविर एंड डी डॉक्सीसाइक्लिन. क्वेश्चन नंबर 5,
First choice drug for the treatment of Trichomonas vaginitis: A. Ceftriaxone, B. Metronidazole, C. Hydroxyuridine, and D. Doxycycline. So answer of, please give the answer of these questions in the comment box of the video. तो इस तरह से और पेनिसिलिन जहाँ पे भी यह यूज़ नहीं आ रही है वहाँ पर उनके अल्टरनेटिवली हमेशा हम मैक्रोलाइट्स को यूज़ करते हैं. सो इस तरह से आप सबको ये याद हो जाएगा. और एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक से आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अच्छे शॉर्ट नोट में आता है तो अच्छे मार्क्स वहाँ पर भी ला सकते हैं. सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.